भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को
माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती।